हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो है आपका एससीएम ट्रिक्स का है, जो कि अगर आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2017 में जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, हम लोग उसको सीधा क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोलता है, फाइंड द एससीएफ ऑफ 204-1190-1445। ये अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया तो क्या करें, तो 1445 सबसे बड़ा नंबर है, इसको बीच में रख लीजिए, डिवाइड करिए दूसरे बड़े नंबर से 1190, वन टाइम में चला दीजिए। हमेशा हम लोग क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे हम लोग ट्रिक यूज करना है। एक जो ट्रेडिशनल वे होता है आपको पता होगा, फैक्टराइजेशन करना, 204-1190 फिर 1445 को आप इस तरीके से करते हैं, दो से डिवाइड करते हैं, फिर दो से किया 51370, इस तरीके से करते हैं। बट यहाँ पे नंबर छोटा है तो हो भी जाएगा, मान लीजिए 2345239467, इसमें तब कर नहीं पाएंगे फैक्टराइजेशन। इस अप्रोच को नहीं फॉलो करें। क्या करेंगे, डबल 1445 को सेंटर में लिखे डिवाइड करेंगे 1190 से, वन टाइम में चला जाएगा 1190 माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा 2, 1190 को फिर डिवाइड करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स 20 22, 8 2 10, 70 170, और फिर ये यहाँ आ जाएगा 255 1 टाइम 170 85, फिर ये यहाँ आ जाएगा 170 170, 2 टाइम्स में चला जाएगा 0, यानी 85 एससीएफ किसका हो गया, एससीएफ ऑफ 1190 और 1445 का, क्लियर हो गया। बट हमें भी 204 बचा हुआ है, राइट, हम 85 के यहाँ लिख देंगे और 204 को डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम चला जाएगा 170 4 34, 85 टू टाइम चला जाएगा 68 और ये हो जाएगा 7 1 7 3, 34 टू टाइम चला जाएगा 34 पूरा जीरो हो गया, यानी आपका 17 हो गया इज एससीएफ ऑफ 204-1190 और 1445। ये ट्रिक बहुत हेल्प करेगा खास करके इस तरह के नंबर को सॉल्व करने में। छोटे नंबर में आप फैक्टराइजेशन कर भी सकते हैं, बड़े नंबर में नहीं कर पाएंगे, बहुत समय कंज्यूम होता है, इसलिए आपको ट्रिक फॉलो करिए, बड़ा समझ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 12 16 32। इसमें क्या करेंगे, सबको एक साथ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके वो बड़ा नंबर निकालेंगे जो सभी को डिवाइड करता हो। ठीक है, सभी से डिवाइड जाता हो 8 12 16 32, 2 टाइम्स डिवाइड करिए 4 6 8 16, फिर 2 टाइम्स डिवाइड करिए 2 3 4 8, फिर 2 टाइम्स डिवाइड करिए 1 3 2 4, फिर 2 टाइम्स डिवाइड करिए 1 3 1 2, 2 मल्टीप्लाई टू 4 मल्टीप्लाई टू 8 मल्टीप्लाई टू 16 मल्टीप्लाई टू 32 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 96। तो आपका ये एलसीएम हो गया, यही तरीका है इसका, इसको इसी तरीके से आपको बनाना है, सॉल्व करना। ठीक है, फाइंड द एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/5 6/25 8/35। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको एससीएफ
एचसीएफ बोलता है और फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो अब एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यही एच का फॉर्मूला है। अगर आपको एलसीएम को बोलता निकालने के लिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तब होता एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 268 डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ 525 एंड 35। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सबसे छोटा नंबर क्या है, दो, ठीक है। दो क्या है, इवन नंबर है, दो से छोटे नंबर हो नहीं सकते, यानी एचसीएफ तो आपके यही होगी। एलसीएम में आइए, एलसीएम आपको सॉल्व करना पड़ेगा 525 35, 5 से एक बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 25 25 मल्टीप्लाई बाय 7 135। अगर आपको टेबल याद होगा अप टू 30 तक तो बहुत हेल्प हो जाएगी, इस तरीके का फटाफट सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम करना हो तो एलसीएम ऑफ 268 डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ 525 और 35। नीचे तो पता चल जाएगा एचसीएफ सबसे छोटा क्या है, 5, और 5 में से मल्टीपल है ना, यहाँ 5 हो गया। ऊपर आ जाइए एलसीएम निकालेंगे, 2 6 8 2 times 1 3 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 is 8 8 मल्टीप्लाई बाय 3 is 24, आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन के एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, बहुत है आपको हेल्प। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4 to the power 7, 4 to the power 6, 4 to the power 5, 4 to the power 4, एलसीएम एंड एचसीएफ बोलो। एचसीएफ कैसे निकलेगा, होता है लोएस्ट पावर विथ कॉमन बेस, विथ कॉमन बेस। इसमें लोएस्ट पावर क्या है, 4 to the power 4 है, 4 कॉमन बेस हो गया, 4 कॉमन बेस हो गया उसकी पावर 4 हो गया, ये हो गया आपका 4 हो गया उसकी पावर 4 हो गया, कॉमन बेस हो गया। अगर आप एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है, विथ नो कॉमन बेस, विथ नो कॉमन बेस। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 भी नहीं लिखते, पर यहाँ है नहीं, मान लीजिए कि ये है, तो क्या होता है सबसे बड़ा 4 to the power 7। अच्छा इसी में मान लीजिए ऐसा कर देते कॉमा 5 to the power 5, तो यहाँ हो जाता मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 5। अगर ऐसा होता तो, बट एचसीएफ नहीं हो पाता, एचसीएफ आपको कुछ भी नहीं करता, ठीक है, तो ये हटा रहा हूँ। तो इसमें समझ आ गया हाईएस्ट पावर होता है और लोएस्ट पावर होता है, एचसीएफ का मतलब हो गया लोएस्ट पावर विद कॉमन बेस, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट पावर विद नो कॉमन बेस। इसको चाहिए आप मार्क करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। दूसरा है 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 to the power 4। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन कॉमन क्या है, तो 2 to the power 3 2 to the power 4 सबसे कॉमन है, 2 निकल गया। फिर दूसरा देखेंगे 3 3 3 सबसे छोटा नंबर क्या है, पावर ये सिंपल 3 है। फिर 5 देखेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है, तीनों जगह 5 है, सबसे छोटा बेस 5 है सिंपल, तो ये आप आंसर करते हैं। अगर आपने एलसीएम बोलता तो सबसे बड़ा पावर 2 to the power 3 2 to the power 4 और
सिंपल 2 to power 4 हो जाएगा, 3 2 square 3 cube 3 cube हो जाएगा, 5 square 5 to power 4 5 to power 4 7 square 7 square हो जाएगा और 11, ठीक है, 11 कहीं कॉमन नहीं है, ये कहीं कॉमन नहीं है, तो सीधा लाइन डाल दिए पावर से, 11 कहीं कॉमन नहीं है, नीचे चली गई, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देखिए, टू नंबर्स आर 15:11 इफ देयर एससीएफ इज 12, फाइंड आउट। इस तरह के सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे, जहां आपको दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 15:11 और एससीएफ दिया हुआ है 12, एलसीएफ क्या होगा? बहुत ही आसान है, 15 है एक 11 है, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अगर आप एससीएफ 12 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, यहां क्या हो जाएगा, या आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 12 को कॉमन लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 30, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 15 प्लस 3 18 मल्टीप्लाई बाय 11 0, 11 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 88, 8 के लिए है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 8 90, तो 1980 इसका आंसर है, क्लियर हो गया, 1980। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इफ एलसीएफ इज इक्वल टू 11 एलसीएम इज इक्वल टू 7700 फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 275 फाइंड सेकंड नंबर, क्वेश्चन सेज दिस थिंग, फाइंड द सेकंड नंबर, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड सेकंड नंबर। नाउ देयर इज वन फॉर्मूला, एलसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, दिस इज द फॉर्मूला, मेक अ मार्क ऑफ इट। So SF is how much? 11. LCM is 7700 is equal to 275 into second number. Now second number is 11 into 7700 divided by 275, it get cancelled. 25 it get cancelled. 5 times 1, 27, 5, 4, 0, it will get an answer 3, 0, 8. So, correct number is 308. Question number 8, if A, comma B, comma C starts a circular track rotation, A completes in 60 seconds, B in 30 seconds, C in 90 seconds, if they start from a common point, at what interval of time will they meet? So this is a question they are asking you. Basically, if A, B, C starts a circular track, means ABC जो है एक सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट करता है, ठीक है, ए को कंप्लीट करने में 60 सेकंड, बी को 30 सेकंड, सी को 90 सेकंड, तो पूछ रहा है कि कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट से चला हुआ ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए यहाँ से चला, तो ऐसे तीनों कितनी बार मिलेंगे, यहाँ पे आके मिल जाए कॉमन, कोई भी कॉमन पॉइंट मिल जाए जहाँ से चालू किए, ये सवाल यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए एलसीएम, ठीक है, 60 30 90
2 times 30, 15, 45. 3 times 10, 5, 15. 5 times 2, 1, 3. Now, 3 multiply, 2 multiply 3 is 6, 6 multiply 5 is 30, 30 multiply 2 is 60, 60 multiply 3 is 180. So, answer is 180 seconds. So, after 180 seconds, they will meet. If 60 seconds, you will have the size of the side. तो इस तरीके से आप सारा सवाल बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। ये जो था मैंने आपको डेमो वीडियो दिखाया, ठीक है, ये सिर्फ डेमो वीडियो था, ठीक है। आप चाहो तो फुल कोर्स कर सकते हो, आप चाहो फुल कोर्स कर सकते हो, हमारे पास फुल कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आप ऑनलाइन मोड और पेन ड्राइव मोड, दो कोर्स होता है, दो तरह का मोड है, पेन ड्राइव मोड। ऑनलाइन मोड 2000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का कोर्स होता है, और ये 2500 से लेके 5500 रुपए तक का कोर्स होता है, ठीक है, सारा चीज कवरअप रहेगा। अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, आपको गाइडेंस मिलेगा, 100% गाइडेंस अंटिल योर सिलेक्शन। ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा, मैंने खुद कॉम्पिटिशन निकाला है, काम करता हूं, मुझे पता है कैसे निकालना है, ठीक है। आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे पढ़ेंगे आप। नंबर वन, नंबर टू पॉइंट, डोंट बाय एनी बुक। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया करके बुक वगैरह ना खरीदें, खाली परेशानी होती है, ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, सिलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पढ़ लिया, वहां कर लिया, इसकी कोचिंग कर ली, उसकी कोचिंग कर ली, रिजल्ट कुछ नहीं आया, करके देखिए दुनिया भर का बेनिफिट मिलेगा। स्टिक रहिएगा, स्टिक विथ द कोर्स प्रोग्राम, ठीक है। सिलेक्शन का एक एवरेज टाइम जो है वह मान लेके 3 मंथ से लेके 6 मंथ के भीतर भीतर कहीं ना सिलेक्शन हो जाता है, बहुत बुरा सा हुआ तो मैक्सिमम 1 ईयर, इससे ऊपर नहीं है। कारण मतलब अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल हो जाना, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। गाइड नहीं करूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। किताब नहीं खरीदने की जरूरत है, बिल्कुल कोर्स प्रोग्राम चेक कर लीजिएगा और सिलेक्शन आपका इतने से होगा। फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले गाइडेंस, लोग इसी में मार खा जाते हैं, 45% वेटेज गाइडेंस का, अगर सब कुछ सही रहा तो थोड़ा आसानी हो जाता है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। और गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड मेंबर्स को मिलता है, ठीक है, ओनली पेड मेंबर्स। गाइडेंस जो है सिर्फ पेड मेंबर्स को मिलेगा, जब हमारे यहाँ प्रोग्राम एनरोल करेंगे तो आप ही मिलेगा। ये डेमो वीडियो आपको समझ में आ जाएगा काफी कुछ, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। विजिट वेबसाइट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। www.buybankpocourse.in पे या फिर आप कॉल कर सकते हैं 4 times 9 6 8 5 1 2 7 पे। दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6 या फिर आप ईमेल कर सकते हैं एस
sinha123@gmail.com। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जस्ट पढ़ते जाइए, खुद रहिए। ठीक है, जैसे बता रहे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, आपको काम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।